नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे अमोनिया रेफ्रिजरेंट के गुण, लाभ और इसे रेफ्रिजरेशन अनुप्रयोगों में उपयोग करने के फायदों के बारे में। दोस्तों, अमोनिया रेफ्रिजरेंट सभी रेफ्रिजरेंट्स में सबसे पुराना है और इसे आज भी रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशंस में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NH3, आणविक भार 17 और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट -28 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट को आमतौर पर R717 रेफ्रिजरेंट के नाम से जाना जाता है। अमोनिया मात्र एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो हेलोकार्बन समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों, अमोनिया में अन्य रेफ्रिजरेंट्स की तुलना में प्रति पाउंड सबसे अधिक रेफ्रिजरेटिंग क्षमता होने के साथ साथ इसमें कई अन्य उत्कृष्ट थर्मल गुण भी होते हैं, जो कुछ शर्तों के भीतर जहरीले, विस्फोटक और ज्वलनशील होने के बावजूद भी इसे कई रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशंस के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। आमतौर पर अमोनिया का उपयोग फूड इंडस्ट्रीज के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए किया जाता है, जैसे आइसक्रीम प्लांट, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, डेयरी, फ्रोजन फूड प्रोडक्शन प्लांट, पोल्ट्री, मीट और मछली प्रोसेसर के साथ साथ कई अन्य एप्लीकेशंस में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट के गुण और लाभ। हेलोकार्बन सहित उपयोग किए जा रहे अन्य सभी रेफ्रिजरेंट्स की तुलना में अमोनिया में पर पाउंड सबसे अधिक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है। यहाँ तक कि अमोनिया की स्पेसिफिक वॉल्यूम अधिक होने के बावजूद पर टन रेफ्रिजरेशन के लिए आवश्यक कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा होता है। इस कारण से पर टन रेफ्रिजरेशन क्षमता के लिए छोटे कंप्रेसर की आवश्यकता होती है, जो लंबे समय में बहुत सारे बिजली बचाता है। चूंकि अमोनिया की विशिष्ट मात्रा यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स के लिए किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग ओपन टाइप रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स के साथ भी किया जा सकता है। अमोनिया आधारित रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कंडेंसर वाटर कूल्ड या इवेपोरेटिव टाइप के होते हैं। एयर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग उन प्रणालियों में किया जाता है जिनमें रोटरी स्क्रू कंप्रेसर्स लगे होते हैं। अमोनिया का उपयोग डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप चिलर के साथ साथ फ्लड चिलर्स के साथ भी किया जा सकता है। फ्लड चिलर्स में हायर हीट ट्रांसफर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए उच्च रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट के अनेकों गुण और लाभों में से सबसे बड़ा लाभ एक यह है कि यह पर्यावरण के लिए अनुकूल और सुरक्षित है। यह ओजोन परत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके कारण इसे किसी भी वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट से रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC रेफ्रिजरेंट्स के मामले में होता है। आजकल लगभग सभी रेफ्रिजरेशन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जा रहे रेफ्रिजरेंट्स में अमोनिया सबसे पुराना है और यह आने वाले कई वर्षों तक नए रेफ्रिजरेंट के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहेगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए इवेपोरेटर में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसर का प्रेशर लगभग 170 PSI और इवेपोरेटर का प्रेशर लगभग 34.5 PSI होता है, जो अन्य रेफ्रिजरेंट्स की तुलना में काफी कम है। चूंकि प्रेशर बहुत अधिक नहीं होते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम के निर्माण के लिए हल्की सामग्री जैसे पतले पाइप्स और छोटे उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। कंप्रेसर से डिस्चार्ज किया गया अमोनिया रेफ्रिजरेंट का तापमान अधिक होता है, इसलिए कंप्रेसर सिलेंडर और सिलेंडर हेड्स को ठंडा रखने के लिए वाटर कूलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सिस्टम में हाई डिस्चार्ज प्रेशर की आवश्यकता होती है, तो कंप्रेसर के अधिक गर्म होने से बचने के लिए सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर के बजाय मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि एनहाइड्रोस अमोनिया गैर संचारक प्रकृति का होता है, लेकिन यह नमी की उपस्थिति में संचारक बन जाता है। हालांकि हेलोकार्बन आधारित रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तांबे का उपयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेशन उपकरण के निर्माण में किया जाता है। अमोनिया आधारित रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसके उपयोग से बचना चाहिए, नहीं तो ये कंपोनेंट्स जल्दी खराब हो जाएंगे। कंप्रेसर के क्रैंक केस में तेल का उपयोग किया जाता है,
जो कंप्रेसर के अंदरूनी पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है। अमोनिया रिफ्रिजरेंट तेल के साथ घुलनशील नहीं होता है, इसलिए यह कंप्रेसर के क्रैंकेस में तेल के साथ मिश्रित नहीं होता। कंप्रेसर से डिस्चार्ज होने वाले अमोनिया रिफ्रिजरेंट तेल के कणों को उठाता है और उन्हें कंडेंसर और फिर इवेपोरेटर तक ले जाता है। यह तेल का कण इवेपोरेटर के भीतर रिफ्रिजरेंट से हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। तेल निकालने के लिए इवेपोरेटर में ऑयल सेपरेटर स्थापित किया जाना चाहिए और इसे फिर से वापस कंप्रेसर के क्रैंकेस में लौटा देना चाहिए। अमोनिया आधारित रिफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया लीकेज का टेस्टिंग या तो सल्फर स्टिक या साबुन के घोल का उपयोग करके किया जाता है। जब अमोनिया सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करता है तो घना धुआं बनता है। रिफ्रिजरेशन सिस्टम से अमोनिया के रिसाव का पता लगाने के लिए सल्फर स्टिक का उपयोग किया जाता है, जो छड़ी को सल्फर में डुबोकर बनाया जाता है और पूरे संयंत्र में घुमाया जाता है। दोस्तों, सल्फर स्टिक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट ज़्यादा हुआ तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। रिसाव के सटीक बिंदु का पता लगाने के लिए जिस स्थान पर घना धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है उस स्थान को मार्क कर लिया जाता है। पाइपलाइन के विभिन्न जोड़ों पर साबुन के घोल को लगाकर भी लीकेज का पता लगाया जाता है। लीकेज हो रहे बिंदु पर घोल में बुलबुले बनने लगते हैं। दोस्तों, रिफ्रिजरेशन एप्लीकेशंस में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सभी रिफ्रिजरेंट्स में अमोनिया सबसे सस्ता है और यह लगभग हर जगह आसानी से उपलब्ध होता है। अमोनिया जहरीले, विस्फोटक और ज्वलनशील होने के बावजूद इसके रासायनिक स्थिरता, हाई रिफ्रिजरेंट इफेक्ट और नॉन मिसिबिलिटी के साथ मिलकर इसे रिफ्रिजरेशन अनुप्रयोगों और स्थानों के लिए एक आदर्श रिफ्रिजरेंट बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था अमोनिया रिफ्रिजरेंट और इसे रिफ्रिजरेशन अनुप्रयोगों में उपयोग करने के फायदों के बारे में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।